हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास सिक्स का इंग्लिश प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर टू। इसका चैप्टर नंबर वन मैं करवा चुकी हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं रेगुलर यानी कि वीक एंड इरेगुलर यानी कि स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स को वीक वर्ब कहते हैं और इरेगुलर वर्ब्स को स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी कहते हैं। तो इसको वीक और इसको स्ट्रॉन्ग क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए देखिए वर्कशीट वन में आपको क्या करना है। तो यहाँ वर्कशीट वन में एक पैराग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ जो वर्ब्स हैं उनको अंडरलाइन किया हुआ है, उसके ऊपर बॉक्स बना हुआ है। तो इनके बारे में क्या बताया जा रहा है कि जो वर्ब्स हैं जिनके ऊपर बॉक्सेस बने हुए हैं, तो इनमें क्या है, तो ऑल दीज आर पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ये सभी क्या हैं, वर्ब्स की पास्ट फॉर्म है। और इसके पास्ट फॉर्म बनाने के लिए इसमें क्या चेंजेस हुआ, इसके लास्ट में सिर्फ क्या लगाया गया, डी या फिर ई डी लगाया गया। ओके तो आगे देखिए बताया जा रहा है कि द वर्ब दैट एंड इन ई डी डी और आई ई डी, यानी कि वैसे वर्ब्स जो लास्ट में एंड होते हैं ई डी से, डी से या आई ई डी से, उनके पास्ट फॉर्म और उनका जो पार्ट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है वो, तो उन्हें हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे वर्क का वर्क्ड हो जाता है, रिसीव का रिसीव्ड, क्राई का क्राइड। इस तरह से इसकी तीनों फॉर्म बनती है। तो देखिए यहाँ पे ई डी लगा, यहाँ पे डी लगा और यहाँ पे आई ई डी लगा। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है लर्न करना, सिर्फ डी ई डी और आई डी सब लगाते हैं, तो इसलिए इसको हम रेगुलर वर्ब या फिर वीक वर्ब कहते हैं। और दूसरा जो हमारा इरेगुलर होता है उसे इरेगुलर क्यों कहते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, वर्कशीट टू है। यहाँ पे सिंड्रेला की स्टेप मदर और उसकी जो स्टेप सिस्टर है वे दोनों पार्टी में चली गई होती है और जो सिंड्रेला है ये घर पर अकेली है। तो सिंड्रेला ऐसे में क्या करती है, एक डायरी एंट्री करती है, डायरी लिखती है और उसमें कुछ जो है वो ब्लैंक्स खाली रहते हैं, वहाँ पे आपको जो है वो सही वर्ब को चूज़ करके भरना है। तो देखिए ये उसकी डायरी एंट्री है और यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है ये वाला, और ये सारे वर्ब्स को आपको लेकर के सही जगह पे कहाँ पर क्या होगा और कौन सी फॉर्म होगी उसे फिल करना है। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे है, टुडे वी रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम द किंग टू अ डांस पार्टी। माय स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर्स एक्सप्रेस्ड अ डिज़ायर टू अटेंड द पार्टी। व्हेन आई लर्न्ड अबाउट इट एंड आस्क देम टू टेक मी अलोंग, दे स्कॉल्डेड मी, दे कॉल्ड मी अगली एंड एक्यूज्ड मी ऑफ बीइंग अनलक्की। आई ट्राइड टू कन्विंस देम। इस तरह से आपको ये सारे यहाँ पर फिल कर लेने हैं। All the words you have filled in the blanks, ये जितने भी words आपने इन blanks में fill किए हैं ये सभी क्या है, regular यानी कि weak verbs हैं। इसके बारे में मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया था। ओके अब वर्कशीट थ्री में देखिए क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, उस पिक्चर के बेस पे सेंटेंस को कंप्लीट करना है और यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं और इसमें जो वर्ब्स हैं उसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग टेंस में अरेंज करना है, रेगुलर वर्ब में चेंज करके। सिंड्रेला वांटेड टू गो टू पार्टी बट कुड नॉट। शी यहाँ पे क्या है, स्टार्ट्स क्राइंग, तो इसका होगा शी स्टार्टेड क्राइंग सडनली। अ फेयरी अपीयर्ड, तो अ फेयरी अपीयर्स को कर दिया, अ फेयरी अपीयर्ड बिफोर हर एंड ऑफर्ड हेल्प, ऑफर्स हेल्प को हो गया ऑफर्ड हेल्प। शी वॉन्ड हर टू, यहाँ पे था वॉन्ट्स हर टू, पिक्चर के बेस पे यहाँ पे सेंटेंस बनाना है आपको। शी वॉन्ड हर टू रिटर्न बिफोर मिडनाइट। सिंड्रेला रीच्ड द पार्टी, यहाँ पे सिंड्रेला रीचेज द पार्टी है तो उसको कर दिया हमने सिंड्रेला रीच्ड द पार्टी। शी डांस्ड विद द प्रिंस। सिंड्रेला रश्ड आउट एज द क्लॉक स्टक 12। शी ड्रॉप्ड वन ऑफ हर शू इन हरी। द प्रिंस ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू फाइंड हर। द सर्वेंट्स रीच्ड हर होम एंड आस्क्ड हर टू वियर द शू। द शू फिटेड हर प्रॉपरली, एट लास्ट सी मैरिड टू द प्रिंस। अब करेंगे हम वर्कशीट फोर। यहाँ पे आपको जो पास्ट टेंस है उसको नेगेटिव में चेंज करना सीखना है। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, टू फॉर्म अ नेगेटिव सेंटेंस इन पास्ट टेंस वी यूज डिड नॉट,
विद द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हम जब पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं किसके साथ, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की जो बेस फॉर्म है यानी कि फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ डिड नॉट का यूज़ करते हैं। इससे देखिए यहाँ पर है डिड नॉट एग्री, एग्री क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। डिड नॉट वांट, वांट क्या है, फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म है, और डिड नॉट को यूज़ किया। तो उसी के बेस पे आपको यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनको नेगेटिव में चेंज करना है। एक यहाँ पर आपको एग्जांपल करके दिखाया हुआ है, देखिए सिंड्रेला स्टेप मदर लव्ड हर, यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है, लेकिन जब हम नेगेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, डिड नॉट करके इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, सिंड्रेला स्टेप मदर डिड नॉट लव हर। नंबर टू में हो जाएगा सिंड्रेला स्टेप सिस्टर्स डिड नॉट, यहाँ पे वर्क, वर्क हार्ड, वर्क नहीं होगा, वर्क हार्ड होगा। नंबर थ्री में सिंड्रेला डिड नॉट इंजॉय हर सेल्फ इन द कंपनी ऑफ हर स्टेप सिस्टर्स। नंबर फोर है द स्टेप सिस्टर्स डिड नॉट केयर फॉर सिंड्रेला। नंबर फाइव सिंड्रेला डिड नॉट लिव इन अ बिग हाउस। नंबर सिक्स में है सिंड्रेला स्टेप मदर डिड नॉट अलाउ हर टू गो टू द पार्टी। नंबर सेवन में सिंड्रेला स्टेप मदर डिड नॉट हेल्प हर गेट रेडी फॉर द पार्टी। नंबर एट द किंग डिड नॉट विजिट सिंड्रेलाज हाउस हिमसेल्फ टू गिव एन इनविटेशन कार्ड। तो इस तरह से आपने देखा कि पास्ट में करते समय हमें क्या करना है, डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। नेक्स्ट नंबर सी में सिंड्रेला कुड नॉट गो टू द पार्टी बिकॉज, सिंड्रेला पार्टी में नहीं जा सकी क्योंकि शी डिड नॉट हैव गुड क्लोथ, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। शी डिड नॉट हैव शूज, देखिए यहाँ से लेना है सेंटेंस, ये क्या सब क्लू दिए हुए हैं यहाँ पे, शी डिड नॉट हैव गुड, आई डोंट हैव गुड क्लोथ ये बोलती है, तो इसको यहाँ पे कन्वर्ट करके लिखना है शी डिड नॉट हैव गुड क्लोथ, आई डोंट हैव शूज, शी डिड नॉट हैव शूज, आई डोंट हैव एनी कैरिज और अ शॉफर, शी डिड नॉट हैव एनी कैरिज और अ शॉफर, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड टू अकॉम्पनी मी, शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड टू अकॉम्पनी हर। वर्शिट फाइव है, इसमें यहाँ पे देखिए जब पार्टी चल रही होती थी पैलेस में उस समय वहाँ पर के रॉयल म्यूजियम में एक नेकलेस था, बहुत ही प्रीसियस नेकलेस, वो चोरी हो गया था। तो पुलिस जो है वो सर्वेंट से क्या करती है, इंक्वायरी करती है, तो उसमें क्या क्या उसका रूटीन था वो उससे पूछा जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है द सर्वेंट शेड्यूल, कि सर्वेंट का शेड्यूल क्या होता है पूरे दिन का, जैसे 2 PM में कुक्स फूड, 2:30 में क्लीन द रूम, रूम सफाई करता है, 4 PM में चेंजेस कर टेंस नोटिस स्ट्रेंजर, क्या क्या उस दिन का शेड्यूल था जिस दिन वो नेकलेस चोरी हुआ था। तो यहाँ पर देखिए जाएगा पुलिस पूछता है कैन यू रिलोकेट द थिंग्स यू डिड यस्टरडे, क्या तुम मुझे बता सकते हो जो तुमने कल क्या क्या जो किया और देखा सो। तो सर्वेंट बोलता है सर्टेनली, बिल्कुल निश्चित, आई कैन, मैं बता सकता हूँ, आई कुक्ड फूड एट 2 PM। तो देखिए यहाँ टाइम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेंटेंस भरना है। यहाँ एट 2 PM लिखा है तो 2 PM पे उसने क्या किया था, कुक्स फूड, यहाँ हो जाएगा कुक्ड फूड क्योंकि यस्टरडे का की घटना है ये, तो इसको हम पास्ट में कन्वर्ट करके करेंगे। एंड देन 2:30 PM स्वेप्ट द रूम, देखिए 2:30 PM पे है ना क्लींस द रूम, स्वेप्ट द रूम या फिर क्लीन द रूम दोनों हो सकता है। एट 4 PM, अब यहाँ टाइम दे दिया एट 4 PM, तो उसने एट 4 PM पे क्या किया, आई चेंज कर्टेंस एंड वाइल डूइंग सो आई नोटिस्ड अ स्ट्रेंजर। What did you do when you noticed the stranger? I approached him and inquired about him. He told me that he stayed in the guest room adjacent to the Royal Museum. Satisfied, I returned to the kitchen and at 5 PM cleaned the floor. Then I stopped the dog from going into the party hall. I finished my work at 7 PM. Applied an ointment on my forehead and went to sleep. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 7 PM पे क्या किया, finished his work, applies an ointment on his forehead. तो उसी को आपको past में convert करके लिखना है। अब next worksheet 6 है, worksheet 6 में आपको करना कुछ नहीं है, बस learn करना है आपको। यहाँ पे जो जो irregular verb है यानी कि weak verb है उसको जो है आपको
कैसे वो बनते हैं उस वो यहाँ पे रूल आपको बताया गया है। इसे वर्ब कैसे एंडिंग होती है, अगर कोई वर्ब है उसके लास्ट में क्या है वाई है और वाई के पहले क्या है कॉन्सोनेंट है, तो ये क्या इसका जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनेगा तो उसमें वाई हट जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा आई ई डी आ जाएगा। उसी तरह से अगर कोई वर्ब के लास्ट के वर्ड में यहाँ वोवेल है और उसके बाद वाई है तो उसमें सिर्फ ई डी ही लगेगा, वाई हट के आई ई डी नहीं आएगा। अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई हट के आई ई डी आएगा, अगर वाई के पहले वोवेल है तो सिर्फ ई डी ही आएगा। फिर थर्ड रूल में बताया गया है कि लास्ट में अगर ई है और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट है तो इसमें भी ई डी ही आएगा। नंबर फोर रूल में बताया गया है कि वन वोवेल प्लस वन कॉन्सोनेंट, यानी देखिए वन वोवेल है और वन कॉन्सोनेंट है लास्ट में, तो इसमें क्या हो जाएगा जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा और ई डी लग जाएगा। टू वोवेल्स प्लस वन कॉन्सोनेंट, यानी कि देखिए यहाँ पे ई और ए लिखा हुआ है, टू वोवेल्स हैं और फिर एक कॉन्सोनेंट है तो इसमें ई डी लगेगा। टू कॉन्सोनेंट्स हैं लास्ट में, जैसे आर और एन दोनों कॉन्सोनेंट हैं तो इसमें भी ई डी ही लगेगा, तो इसे आप लर्न कर लीजिएगा। वर्कशीट 7 में यहाँ पे एक ग्रिड दिया हुआ है, इसमें से आपको 10 रेगुलर वर्ड्स को फाइंड आउट करके नीचे दिए गए कॉलम में लिखना है और फिर उसका आपको पास्ट फॉर्म लिखना है। तो देखिए 10 यहाँ पर कौन कौन से वर्ब्स हो गए, क्राई, ऐड, पेंट, लिस्ट, लिव, हेल्प, हरी, लव, ट्राई और डिवाइड। अब इनका पास्ट फॉर्म लिख देना है। ये तो इस तरह से देखिए सबका पास्ट फॉर्म हो गया, क्राई का क्राइड, ऐड का एडेड, लव लव्ड, पैक पैक्ड, डिवाइड डिवाइडेड, ट्राई ट्राइड, लिव लिव्ड, पेंट पेंटेड, लिस्ट लिस्टेड, हरी हरीड, हेल्प हेल्प्ड। यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा जो है वो रेगुलर वर्ब्स की फॉर्म दी हुई है, जो पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा इसको आपको लर्न कर लेना है। और दूसरा आपको यहाँ पे इसका लिखना है सिंपल पास्ट में क्या होगा, जैसे अर्न का अर्न, डाई का डाइड, रिटायर का रिटायर्ड, मूव का मूव्ड, स्टार्ट का स्टार्टेड, लीव का लीव्ड, स्टेप का स्टेप्ड, होप का होप्ड, चेक का चेक्ड। अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 8। तो यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए कुछ वर्ब के फॉर्म से उन्हें सर्कल किया हुआ है। ये कैसे वर्ब हैं, ये इरेगुलर यानी कि स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं। ये स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होते हैं और इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं, तो इसके देखिए यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। द वर्ब दैट डू नॉट एंड इन ed in their past form are called irregular verbs। वैसे verbs जिनकी जो past form है वो ed से end नहीं होती है वो irregular verbs कहलाते हैं। जैसे कुछ examples आपको यहाँ दिए हुए हैं, ये see का होगा see, saw, seen। देखिए इसमें d या ed लग करके इसका second और third form नहीं बना है। इसी तरह से go का हो जाएगा go, went, gone। tell का told, told। stand का stood, stood। wear का wore, worn। ये सारे आपके इरेगुलर वर्ब के एग्जांपल्स हो गए। यहाँ पे कुछ इरेगुलर वर्ब्स के और एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिन्हें आपको याद करना है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ये और वर्कशीट 9 है, तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। देखिए ये वाला पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर को देख करके उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है और यहाँ पे जो हेल्प बॉक्स दिए हुए हैं इन सभी वर्ब्स के फॉर्म को इसमें फिल करना है। तो जैसे देखिए कि इसमें तो आपका फिल किया हुआ है, इसको देखिए इस पिक्चर में क्या आप देख के समझ पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ शी अनूज फ़ोन नंबर, तो ये अनु का जो फ़ोन नंबर है ये क्या उसके बारे में सोचती होगी। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, यानी कि इसने नंबर जो है इसमें से यहाँ के दो लेटर भूल गई है, तो इसमें हो जाएगा शी फॉरगॉट अनूज फ़ोन नंबर। नेक्स्ट में है, देखिए यहाँ पे ये गिर गई है और इसे चोट लग गया है, तो शी फेल ऑफ द स्टेयर्स एंड हर्ट हर नी। इसमें देखिए ये कैट सो रही है, तो द कैट स्लेप्ट क्वाइटली। और इसमें देखिए ये बुल जो है सो भाग गया अपनी जान बचा करके इन हंटर्स से, तो द बुल रेन फास्ट टू सेव इट सेल्फ फ्रॉम द हंटर्स। और इसमें शी कट हर हेयर वेरी शॉर्ट। और नेक्स्ट और लास्ट है शी ड्रोव सो फास्ट दैट शी गॉट स्केयर्ड। नेक्स्ट है द वेटर गेव द मेन्यू टू द कस्टमर। नंबर 9 में ही थ्रू अ पार्टी एंड इनवाइटेड हर। नंबर 10 में हो जाएगा ही गेव हिम द कीज ऑफ द कार। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 10, यहाँ पे ये हेल्प बॉक्स है, इसी की हेल्प से इसी तरह इसको भी करना है जिस तरह से आपने अभी ऊपर वाला किया है। पिक्चर को देखना है, पिक्चर को देख करके आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। व्हाइल कुकिंग शी बर्नड हर हैंड, यानी कि जो निकी है
ये इसका क्या है, आज का दिन जो था यानी कल का जो दिन था हैड अ बैड डे, उसका दिन था जो ख़राब था, वो दिन ख़राब भी था इसका। तो उस दिन इसके साथ क्या क्या होता है, जब खाना बनाने गई जाती है तो उसका हाथ जल गया, शी बर्न्ड हर हैंड। उसी तरह से अब देखिए, जब ये ड्राइव करने गई तो ड्राइव करने के दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वाइल ड्राइविंग शी मेट एन एक्सीडेंट, वाइल रीडिंग शी फेल असली, वाइल प्लेइंग शी फेल डाउन एंड ब्रोक हर हैंड, वाइल ड्रिंकिंग वाटर शी ब्रोक द ग्लास, वाइल शी वॉज स्लीपिंग अ थीफ एंटर्ड हर हाउस। अब हमारा है वर्कशीट नंबर 11। तो यहाँ पे सिंड्रेला की जो वेडिंग हुई प्रिंस के साथ, उसी की रिपोर्ट न्यूज़पेपर में छपी है। इस न्यूज़पेपर में देखिए यहाँ पे कुछ एरर्स हैं, जैसे कि जो भी वर्ब की फॉर्म्स यहाँ पे आए हैं वो सभी उस समय में कुछ एरर है, तो उसको आपको फाइंड आउट करना है और फिर करेक्ट करके लिखना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको फाइंड किया हुआ है और करेक्ट वर्ड उसका क्या होगा वो लिखा है। इसे गेटेड का गॉट होता है, क्योंकि गेट की फॉर्म गॉट होती है, गेटेड नहीं होता है। फिर वियर्ड नहीं होता है, वियर की फॉर्म सेकेंड फॉर्म वोर होती है। होल्डेड नहीं होगा, होल्ड होगा, शाइंड की जगह शोन होगा, लुक्ड की तरह लुक्ड होगा, पुटेड की जगह पुट होगा, ब्लेसेस की जगह ब्लेस्ड होगा, थ्रोट की जगह थ्रू होगा, ब्लेस की जगह ब्लेसिंग्स होगा और टेक्ड की जगह टुक होगा। तो ये करेक्ट वर्ड होगा इस तरह से। नेक्स्ट वर्कशीट 12 है, यहाँ पे भी देखिए निक्की का जो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है कि उसने क्या क्या किया और टाइम दिया हुआ है, तो टाइम का क्लोज लेकर के आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो पहले वॉच देखना है कि 7:15 हो रहा है, तो 7:15 में ये क्या करती है, सो के उठी, निक्की वो कप एट 7:15 ही है। नेक्स्ट वॉच में देखिए यहाँ पे 7:30 हो रहा है और ये क्या कर रही है अपना 7:30 में ब्रेकफास्ट कर रही है, निक्की हैड हर ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM। इसमें 8 बज रहा है टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा निक्की वेंट टू स्कूल एट 8 AM। फिर नेक्स्ट इसमें देखिए 1 बज रहा है, तो निक्की हैड हर लंच एट 1 PM। नंबर 5 में यहाँ पे देखिए 4:30 है, तो निक्की केम बैक होम एट 4:30 PM। और 8 PM पे क्या हो रहा है, यहाँ पर निक्की हैड हर डिनर एट 8 PM। फिर 9 PM पे निक्की वेंट टू बेड एट 9 PM। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 13 है, यहाँ पे भी आपको जो ये सेंटेंस दिया हुआ है पास्ट टेंस का, उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, जो कि आपको मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पे नेगेटिव करने के समय हम क्या करते हैं, डिड नॉट का यूज़ करते हैं और फर्स्ट फॉर्म का, कि पास्ट में यहाँ सेकंड फॉर्म यूज हुई है, लेकिन जब उसका नेगेटिव करेंगे तो डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म। तो आइए इसको कर लेते हैं। हाँ, सिंड्रेला स्टेप सिस्टर्स एट डिलीशियस फूड, एट क्या हमारा सेकेंड फॉर्म है ईट का, तो इसका हो जाएगा सिंड्रेला स्टेप सिस्टर्स डिड नॉट ईट डिलीशियस फूड। नंबर 3 में होगा सिंड्रेला स्टेप सिस्टर्स डिड नॉट वेंट नहीं होगा, यहाँ पे गलत लिख दिया है बच्चे ने, डिड नॉट गो, सिंड्रेला स्टेप सिस्टर्स डिड नॉट गो टू स्लीप लेट इन द नाइट, सिंड्रेला स्टेप सिस्टर डिड नॉट वेक अप लेट इन द मॉर्निंग। नंबर 5 में हो जाएगा सिंड्रेला स्टेप सिस्टर्स डिड नॉट फाइट विद देयर मदर। नंबर 6 सिंड्रेला डिड नॉट, सॉरी यहाँ पे जाएगा सिंड्रेला स्टेप सिस्टर्स डिड नॉट गेट प्लेंटी ऑफ मनी टू स्पेंड। नंबर 7 में सिंड्रेला स्टेप सिस्टर्स डिड नॉट मीट हर फ्रेंड्स फ्रिक्वेंटली। नंबर 8 में जाएगा सिंड्रेला स्टेप सिस्टर्स डिड नॉट स्पेंड मनी फ्रीली। वर्कशीट 14, यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है जो गेस्ट रूम का है, और यहाँ पर चोर आया था और उसने नेकलेस चोरी किया था, तो आपको इस पिक्चर को केयरफुली ऑब्जर्व देखना है और उसमें ऑब्जर्व करना है कि उसमें उसने क्या क्या नहीं किया है, यानी कि यहाँ पे डिड नॉट का यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे कुछ क्लोज दिए हुए हैं जिनका यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है, जैसे कि क्लोज द डोर, तो इसका हो जाएगा ही डिड नॉट क्लोज द डोर, स्विच ऑफ द फैन ही डिड नॉट स्विच ऑफ द फैन, पैक द सूटकेस ही डिड नॉट पैक द सूटकेस, Eat the ice cream, he did not eat the ice cream. Shut the window, so he did not shut the window. Drink the cola, he did not drink the cola. Read the newspaper, he did not read the newspaper. Throw away the banana peel, he did not throw away the banana peel. Wipe the floor clean, he did not wipe the floor clean. Next worksheet 15 है, यहाँ पे कुछ आपको regular और कुछ irregular verbs
मिक्स करके दिए हुए हैं, इनको आपको सेपरेट करना है। और आगे जो ये दो बॉक्स दिए हुए हैं जिसमें रेगुलर वर्ब और इधर इरेगुलर वर्ब आपको लिखना है और उसकी पास्ट फॉर्म भी लिखनी है। देखिए रेगुलर वर्ब में हो गया लुक, कैरी, प्रे, स्टडी, डिवाइड, ड्रॉप, इंजॉय, वरी, ड्रॉप और कॉल, इनका ये पास्ट फॉर्म हो गया। उसी तरह से इरेगुलर वर्ब है, ये सारे इरेगुलर वर्ब हो गए और इसका ये पास्ट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 16, तो ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है। और यहाँ पर जो पुलिस मैन है, ऑफिसर हैं और थीप है, उनके बीच कन्वर्सेशन हुआ है, वो इंक्वायरी करते हैं चोर से, तो क्या क्या पूछा जाता है और वो क्या जवाब देता है, उसको आपको यहाँ सेंटेंस में लिखना है इस क्लूज को की हेल्प से। तो पुलिस ऑफिसर्स बोलते हैं जैसे कि यहाँ पे क्लू दिया, वाई यू स्टील नेकलेस, यानी क्या पूछना चाहते हैं, वाई डिड यू स्टील द नेकलेस। तो थीप बोलता है आई स्टील फॉर मनी, तो इसका सही हो जाएगा आई स्टोल इट फॉर मनी। फिर पुलिस ऑफिसर पूछते हैं व्हेन यू स्टील इट, तो इसको सही अरेंज करके लिखना है व्हेन डिड यू स्टील इट, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो जो थीप है वो बोलता है आई स्टोल इट व्हाइल द डांस पार्टी वाज गोइंग ऑन। पुलिस ऑफिसर पूछते हैं व्हेन डिड यू एंटर द म्यूजियम, तो जो चोर है वो बोलता है आई एंटर्ड द म्यूजियम बिफोर द सिक्योरिटी गार्ड क्लोज्ड इट। पुलिस ऑफिसर पूछते हैं वेयर डिड यू स्टे बिफोर एंटरिंग द म्यूजियम, थीप बोलता है आई स्टेड एट द पैलेस गेस्ट रूम बिफोर एंटरिंग द म्यूजियम। ये सारी चीज़ आपको इधर जो पैसेज दिया हुआ है उसमें से सबके आंसर मिल जाएंगे। व्हाट डिड यू डू बिफोर स्टीलिंग द नेकलेस, आई कट द अलार्म वायर। वेयर डिड यू हाइड द नेकलेस, आई हाइड द नेकलेस इन साइड ए बॉक्स इन द गेस्ट रूम। नेक्स्ट वर्कशीट 17, यहाँ पे ये पैराग्राफ दिया हुआ है और इसमें जितने भी वर्ब आए हुए हैं उन सबको आपको अंडरलाइन करना है, इस तरह से मैंने कर लिया है, आप देख लीजिएगा। और फिर उसे दो अलग अलग कॉलम में लिखना है, रेगुलर वर्ब्स को इधर लिखना है और जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उसे इधर लिखना है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कौन से रेगुलर और कौन से इरेगुलर वर्ब होते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सारे रेगुलर वर्ब्स लिख दिए हैं और इधर साइड में इरेगुलर वर्ब, जिसे देख के आप फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट है डू इट योरसेल्फ, तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसको एडिट नहीं किया गया है, इसमें कुछ रॉन्ग वर्ड्स हैं उसको आपको सही करके और इधर दिए हुए स्पेस में लिखना है। जैसे यहाँ गॉडर्स मैन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, गॉड्स हर्ट, ओके। यहाँ पे फिर सी है, यहाँ पे ही सी के नहीं होगा, ही सॉ होगा, ही ड्राइव्ड, तो ड्राइव्ड नहीं होता है, ड्राइव की फॉर्म ड्रोव होती है, पुटेड की फॉर्म पुट ही होती है, तीनों फॉर्म। फिर यहाँ इज नहीं होगा, द नेक्स्ट डे इज नहीं, तो यहाँ पर होगा वाज। फिर यहाँ टुक नहीं होगा, यहाँ टेक होगा, क्योंकि यहाँ पे डिड नॉट यूज़ हुआ है, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। फीडेड नहीं होगा, फीड की फॉर्म पेड होती है। सेव नहीं होगा, यहाँ पे सेव होगा। गिव नहीं होगा, यहाँ पे गिव की जगह गेव होगा। और थिंक्ड का थॉट होगा, लिव की जगह लिव होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो पैसेज दिया हुआ है यहाँ पे आपको करेक्ट फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपको क्या फिल करना है, उसको आपको पास्ट में बना करके फिल करना है। जैसे लीड है तो इसका यहाँ पे लीड हो गया, यहाँ रीच्ड हो गया, ब्रोक हो गया, यहाँ पे स्कैम्पर्ड हो गया, शाउटेड हो गया, यहाँ टर्न्ड हो जाएगा, यहाँ सेड हो जाएगा, यहाँ ट्रीट हो जाएगा और यहाँ लास्ट में यहाँ पे अराइव्स होगा, ओके। ये आपका यहाँ पे चैप्टर 2 कम्प्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।